इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर आपको हम दे दें, दो जगह भेड़िए ने यहाँ पर कल रात को हमला किया है। एक तो जंगल पुरवा के जहाँ पर 7 साल के बच्चे पर अटैक किया, और दरहिया दूसरा इलाका जहां पर 58 साल के व्यक्ति पर भेड़िए ने अटैक किया गया। दोनों के गर्दन पर भेड़िए ने पंजा मारा। स्वास्थ्य केंद्र में अब दोनों को ही एडमिट किया गया। ये बड़ी खबर देखिए, एक बार फिर से अटैक हुआ के जो आखिरी घटना उसके 5 दिन के बाद फिर से भेड़िया एक्टिव हुआ और 2 जगहों पर अटैक किया गया। सीधे बहराइच आपको लिए चले, वहां से मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार कोशिश तो की जा रही है वन विभाग की ओर से, वन विभाग की टीम को तो भेड़िया नहीं दिखा, लेकिन रात को गांव में भेड़िया पहुंचा, वहां पर 2 जगहों पर अटैक किया गया, बच्चे पर और एक शख्स पर, दोनों को जख्मी कर दिया। अभी क्या है ताजा जानकारी वहां से विवेक? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, 4 भेड़ियों को शुरू में पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 जिनको आज वन विभाग के अधिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनके हाथ नहीं आए। लेकिन आप सोचिए कि रात के 1:30 बजे जब बिल्कुल सन्नाटा था और लोग सो रहे थे, उस समय 7 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया। हालांकि जो बच्चा है उसकी हालत स्थिर है और उसे अब ठीक किया जा रहा है, मरहम पट्टी कर दी गई है। जख्म बहुत गहरा नहीं था, मैं वहां गया था, मैंने उनसे जो देखा है और उनके परिवार वालों से बातचीत भी की है, लेकिन ऐसा जो ये जो डर है ना, ये पूरे गांव वालों में पसरा हुआ है, आसपास के गांव में भी पसरा हुआ है। पूरे रात में जो लोग हैं वो डर सहम के रह रहे हैं, रातों की नींद गायब है, लोग कह रहे हैं कि सो तो जाए लेकिन कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं पता है, और ये संख्या ज्यादा हो सकती है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि 4 हमने पकड़ लिए हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं, हो सकता है कि वो कोई जो 6ठे के अलावा 7वां और 8वां भी हो। इस डर से भी जो ग्रामीण है वो भी काफी परेशान है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक, आज रात तक 8 या 10 बजे तक मेरी जो बातचीत हुई है उनसे कि 1 या 2 भेड़िया जो है, कोशिश दोनों को पकड़ने की है, लेकिन और भेड़िए जो है वो इस इलाके में पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब उम्मीद ये की जा रही है कि भेड़ियों को यहाँ पर भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अटैक हुआ है, जो आखिरी घटना हुई थी उसके 5 दिन के बाद फिर से कल रात 2 लोगों पर भेड़िए ने अटैक किया गया। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, और साथ ही वीरेश आपका भी ताजा जानकारियों के लिए। ABP News आपको रखे आगे।